Episode number 2428. Title: इंजर्ड देवता क्लास एलियन. अजीब बग का खुला मुंह वीर के ठीक सामने आ रहा था. यह एक बड़ी वेल की तरह थी जो छोटी मछली को खाने के लिए तैयार थी. डॉलर मरने वाला है. ड्रैगन वन देख सकता था कि वीर को अजीब बग निगलने वाला था. वीर के लिए दुखी होने के बजाय वह इस बात से दुखी था कि वीर की मौत का उन सभी के लिए क्या मतलब होगा. यहाँ तक कि वीर भी, जो किसी तरह हवाई प्रतिबंध को रद्द कर सकता था, इस मॉन्स्टर से बच नहीं सका. यदि वीर बच नहीं सका तो इसका मतलब संभवतः उन सभी के लिए मृत्यु था. ड्रैगन एट, जो ड्रैगन वन का पीछा कर रहा था, उसने भी देखा कि क्या होने वाला था. वह बिल्कुल उदास लग रहा था. बूम! आकाश में बग का विशाल मुंह वीर के चारों ओर बंद हो रहा था. उसके नुकीले दांत वीर के शरीर को जकड़ने वाले थे. ड्रैगन वन और अन्य लोग उस भयानक दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं सके. उन्होंने अपना सिर घुमाया और जितना जोर से दौड़ सकते थे दौड़ते रहे. उन्हें आशा थी कि उन्हें प्लैनेट डार्क जोन पर एक ऐसी जगह मिल सकती है जो वायु प्रतिबंध क्षेत्र से प्रभावित न हो. यही एकमात्र तरीका था जिससे वे इस नरक कुंड से बच सकते थे. हालांकि अजीब बग के हमले के कारण वीर का शरीर नहीं टूटा. वह अभी भी सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था, इसलिए एलियन की अविश्वसनीय शक्ति उसे छूने में असमर्थ थी. हालांकि अजीब बग के दांत उसके शरीर में घुसे हुए थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. वीर का शरीर अब निराकार था, बल्कि किसी भूत जैसा था. वह अजीब बग के दांतों और मांस के माध्यम से आसानी से निकल गया और वह एलियन के शरीर से भागने की कगार पर था जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी नहीं छोड़ना चाहता था. तो वह पीछे मुड़ा और अजीब बग के मुंह में गहराई तक चला गया. कठोर बग के खोल और मांस वीर की गति को रोक नहीं सका. वह तेजी से बग के पूरे शरीर में चला गया, लेकिन वीर ने पाया कि एलियन के अंदर का हिस्सा जैद जैसा था. यहाँ तक कि इसके अंगों और नशों ने जेनोजेनिक जीन की बनावट ले ली थी. कहीं भी कोई कमजोरी नहीं पाई गई, इसलिए वीर के लिए एलियन को अंदर से चोट पहुंचाना कठिन होगा. लेकिन वीर को एलियन का जेनोजेनिक कोर उसके मस्तिष्क में स्थित मिला था. यह एक हरा कोर था जो सितारों की तरह चमक रहा था. अब वीर को सुपर गॉड स्प्रिट मोड का वक्त का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया था. अब वीर का सुपर गॉड स्पिरिट मोड अधिक समय तक चल सकता है, क्योंकि वह किन क्लास में पहुंच गया है. वह इसे हमेशा के लिए उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से लगभग आधे घंटे तक चल सकता था. एलियन के ग्रीन देवता कोर के करीब रहकर वीर ने सुपर स्लैब का इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ में शक्ति इकट्ठी कर ली. एक बार जब उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली तो वह ग्रीन कोर की ओर बढ़ गया. बज की जोर से आवाज आई. वीर के हाथ के प्रभाव से पदार्थ की श्रृंखला पागल हो गई. वे रबर बैंड की तरह थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था. गर्जन! अजीब बग को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह दहाड़ने लगा. इसका शरीर जमीन से टकराया, फिर गहराई तक खोदा गया. इसने ड्रैगन वन के लिए जाने का निर्णय लिया. बग ने एक डिस्ट्रॉयड जाति के किंग क्लास वाले को पकड़ लिया और उस आदमी के किंग क्षेत्र में इस तरह से घुस गया जैसे वह वहां था ही नहीं. हर तरफ खून बिखरा हुआ था. यह ऐसा था मानो उसने किसी डरावने किंग को नहीं बल्कि एक भेड़ को खा लिया हो. ड्रैगन वन ग्रह के दूसरी ओर चला गया. उसने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी हर शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उस देवता क्लास बग के खिलाफ उसकी सारी शक्तियां बेकार लग रही थी. एलियन की सबसे डरावनी चीज उसका किंग एरिया था. यदि वे एक साधारण देवता क्लास के जेनोजेनिक से मिलते हैं तो ड्रैगन वन और अन्य अभी भी आसानी से बच सकते थे.
लेकिन इस अजीब बग की क्षेत्रीय शक्ति ने न केवल हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि इसने वायुमंडल में इस्तेमाल होने वाली किसी भी शक्ति को रोक दिया। टेलीपोर्ट के लिए कौशल या वस्तुओं का उपयोग करना भी असंभव था। वे फंस गए थे। भागो, जिंदा बचने के लिए भागो। ड्रैगन वन और अन्य ने भागने की कोशिश करने के लिए अपनी सभी विभिन्न शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन एलियन ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। अंत में केवल ड्रैगन वन, ड्रैगन एट, ब्रॉडी और दाई रॉबर्ट जीवित बचे थे। वे घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी भाग रहे थे। किसी तरह वे सभी एक साथ काम करने लगे। वे जानते थे कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। ड्रैगन एट और ब्रॉडी के शरीर विशेष थे, वे लगभग अमर थे। उस अविश्वसनीय शक्ति ने उन्हें कुछ हमलों से बचने और सांस लेने जारी रखने की अनुमति दी। ड्रैगन वन और दाई रॉबर्ट शीर्ष स्तरीय किंग थे। जब किंग क्लास के अन्य लोगों से लड़ने की बात आती थी तो वे अजेय थे, लेकिन इस डरावने देवता से निपटने का प्रयास उन्हें घायल करने और खून बहने के लिए पर्याप्त था। बूम! अजीब बग ने ब्रॉडी के पैर के चारों ओर अपना जबड़ा जकड़ लिया और दाई रॉबर्ट ने उस क्षण तीन अलग अलग प्रकार की शक्तियां इकट्ठी कर ली। उन्होंने तीन अलग अलग ऊर्जाओं से बना एक त्रिकोण बनाया। उस त्रिकोण के अंदर रोशनी खिली, जिसने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और उसके चारों ओर की हवा को झकझोर दिया। प्रकाश आगे बढ़ा और सीधे अजीब बग के मुंह में जा लगा, लेकिन अजीब बग ने प्रकाश को निगल लिया, जो उसके गले से हानिरहित रूप से गायब हो गया। दाई रॉबर्ट पीला और निराश दिख रहा था। वह सबसे मजबूत चाल थी जो वह सोच सकता था, लेकिन इसका उस अजीब बग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बग कोई साधारण देवता क्लास का एलियन नहीं था। इसकी क्षेत्र शक्ति और इसके शरीर की ताकत दोनों ने संकेत दिया कि जो कुछ भी था, यह एलियन एक औसत देवता क्लास के ज़ेनोजेनिक से कहीं बेहतर था। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी सारी ताकत खत्म नहीं की थी। ड्रैगन वन और अन्य जानते थे कि यदि वे अजीब बग के क्षेत्र से बच नहीं सके तो उनका मरना निश्चित था। ये तो बुरा हुआ, हमें अचानक ऐसे डरावने क्षेत्र में एक ज़ेनोजेनिक का सामना क्यों करना पड़ा। ड्रैगन एक दौड़ते समय जोर से चिल्लाने लगा। हालांकि ड्रैगन वन चुप रहा। वह जानता था कि शिकायत करने से किसी का भला नहीं होगा। उसे यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत थी, हर अतिरिक्त सेकंड को पकड़ते हुए, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार उन्हें बचा सकता है। हो सकता है कि उनमें से किसी एक के मन में कोई नया विचार आए, कुछ ऐसा जो मदद कर सके। दाई रॉबर्ट भी ऐसी ही मानसिकता वाला था। उस जगह उन्हें कोई नहीं बचा सका। भले ही उनकी जाति के देवता क्लास वाले एलिट को पता था कि वे खतरे में हैं, देवता क्लास वालों को यूनिवर्स कोर क्षेत्र तक पहुंच की अनुमति नहीं थी। इस स्थान पर केवल किंग क्लास के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। आप न तो एक स्तर ऊपर हो सकते हैं और न ही एक स्तर नीचे। अगर मुझे मरना है तो मैं भागते हुए मरना नहीं चाहता, ब्रॉडी ने अपने चेहरे पर उग्र भाव दिखाते हुए कहा। वह घूमा और अजीब बग की ओर तेजी से दौड़ा। उसका शरीर तलवार की रोशनी से चमक उठा। दाई रॉबर्ट उसे रोकने लगा, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस स्थिति में वे वर्तमान में थे, चाहे वे कितनी भी जोर से दौड़े, वे ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकते थे। ब्रॉडी को रोकना व्यर्थ था। ब्रॉडी ने अजीब बग के सिर को काटने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन हड्डी के चाकू ने कभी भी अजीब बग के खोल से संपर्क नहीं किया। उसके शरीर पर मौजूद पदार्थ श्रृंखला ने चाकू को पकड़ लिया और उसे कुचल दिया। ब्रॉडी का हाथ पदार्थ श्रृंखला से छू गया। उसका हाथ मांस के टुकड़ों के बादल में गायब हो गया। घायल ब्रॉडी का पीछा करने के लिए अजीब बग ने अपना मुंह खोला। हालांकि ब्रॉडी आगे नहीं दौड़ सका और वह ऐसा नहीं करना चाहता था।
उसने अपने क्षेत्र की शक्ति को बुलाया और अपने बाएं हाथ का उपयोग करके अजीब बग के चेहरे पर मुक्का मारा। ब्रॉडी का शक्तिशाली क्षेत्र अजीब बग के दांतों की क्रूर शक्ति के सामने अंडे के छिलके जितना कमजोर था। ब्रॉडी का किंग क्षेत्र चकनाचूर हो गया और उसका शरीर आधा कट गया। उसके शरीर का काटा हुआ हिस्सा एलियन के गले में गायब हो गया। हालांकि ब्रॉडी हर बार पुनः उत्पन्न हो सकता था और ताकत हासिल कर सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए उसकी कोशिकाओं का पास में होना आवश्यक था। अब जबकि उसके शरीर का आधा हिस्सा निगल लिया गया था और पचा लिया गया था, वह फिर से जुड़ नहीं सका। वह अजीब बग इधर उधर घूमता रहा और ब्रॉडी के शरीर के बचे हुए हिस्से की ओर चला गया। ब्रॉडी अभी भी सचेत था, लेकिन स्थिति निराशाजनक थी। गर्जन, जैसे ही अजीब बग उसके शरीर के दूसरे आधे हिस्से को खाने के लिए नीचे आया, ब्रॉडी को एहसास हुआ कि वह मरने वाला था, लेकिन फिर बग अचानक चिल्लाया। उसका शरीर सीधा और कठोर हो गया, जैसे उसे इलेक्ट्रिफाइन कर दिया गया हो। ब्रॉडी और अन्य लोग अपनी जगह पर जम गए। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है। ब्लेयर, अजीब बग ने अपना मुंह खोला, फिर फव्वारे की तरह गहरे हरे रंग का खून उगल दिया। पूरे ब्रॉडी पर खून बिखर गया। बग के मुंह से लगातार खून निकलता रहा और हर जगह फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। डॉलर, ड्रैगन 1 और ड्रैगन 8 ने उभरी हुई आकृति को घूरते हुए एक साथ पूछा। उन्हें मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था। वे चीखना चाहते थे, लेकिन उनका प्रश्न फुसफुसाहट के रूप में सामने आया। उसे एक देवता क्लास के एलियन ने खा लिया था, और फिर भी वह मारा नहीं गया था। यह एक चमत्कार था। वीर ने खुद को आजाद किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस पर कोई खून नहीं लगा था। वह घायल भी नहीं लग रहा था। ड्रैगन 1 ने उसे अविश्वास से देखा। अजीब बग चिल्लाया और थोड़ा छटपटाया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। वीर का पीछा करने के बजाय वह वापस धरती में समा गया और गायब हो गया। आकाश को ढकने वाली क्षेत्र की शक्ति अचानक गायब हो गई। ड्रैगन 8 हैरानी से अपने पीछे छोड़े गए छेद को देखता रहा। डॉलर, तुमने क्या किया? ड्रैगन 8 ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। कुछ नहीं, मैंने बस यही सोचा था कि मैं इसे थोड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा। वीर एक पल के लिए रुका, फिर बोला, चलो चलें। एक बार जब ये ठीक हो जाएगा तो मुझे संदेह है कि हम फिर से बच नहीं पाएंगे। शब्दों को क्रियान्वित करते हुए वीर ने मैदान छोड़ दिया और प्लैनेट डार्क जोन के वातावरण से बाहर चला गया। वह उस अजीब बग को मारना चाहता था, लेकिन एलियन बहुत ताकतवर था। अजीब बग के कोर पर सुपर स्लैब का उपयोग जारी रखने में वीर की सारी ताकत लग गई थी। अपनी सारी ऊर्जा खत्म करने और अपने सुपर गॉड स्प्रिट बॉडी की समय सीमा के करीब पहुंचने के बावजूद वह कोर में केवल एक ही दरार छोड़ने में सक्षम था। वह वास्तव में इसे तोड़ने में सक्षम नहीं था।